वेलकम टू जी जैकस किचन व्यूअर्स, आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो केचप की रेसिपी है। ये केचप इतनी अच्छी और इतनी मज़े की यमी बनती है कि आप लोग बाज़ार की केचप खरीदना बिल्कुल भूल जाएंगे, बल्कि मैं आपको प्रेफर करूँगी आप लोग बाज़ार की केचप मत बाय किया करें, घर में होममेड अपनी केचप बनाएं, अपने घर वालों को और बच्चों को खिलाएं। जितनी मर्जी खा लेंगे बच्चे बीमार नहीं होंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 किलो के करीब टमाटर लिए हैं और इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया। इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और इसको मैं उस वक्त तक कुक करूँगी जब तक ये बिल्कुल गल नहीं जाए और ये बिल्कुल मैश हो जाए। ये देखें इधर तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये बिल्कुल गल चुके हुए हैं, यानी कि मैश हो चुके हुए हैं। इनकी स्किन रिमूव हो गई है, सीड अलग हो गए हैं। तो अभी मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसीजर में आप लोगों ने क्या करना है। नेक्स्ट प्रोसीजर में हम लोग ये करेंगे, इसको पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको मिक्सर जार में डाल के इसको अच्छी तरीके से इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और आप यकीन करें इसको आप बनाएंगे तो ज़रूर आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें किसी किस्म का केमिकल का इस्तेमाल नहीं करूँगी और इसको बना के आप लोग सेव भी कर सकते हैं और फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी आप लोगों ने इसको किस तरह सेव करना है और किस तरह इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने जग में डाल दिया है और इसको मैं ब्लेंड करने लगी हूँ, अच्छे तरीके से इसका पेस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है। जब मैं इसको ब्लेंड करके दिखाऊँगी इसकी फाइनल लुक, तो आप ये देखिएगा कितनी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्यूरी तैयार होगी, टमाटर पेस्ट यानी कि। और इसका कलर अभी बहुत खूबसूरत लग रहा है और ये पकने के बाद मज़ीद खूबसूरत लगेगा। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। बच्चों को वैसे भी केचप बड़ी पसंद होती है तो वो हर चीज़ के साथ केचप मांगते हैं, आलू हो या फ्राइज़ हो या फिंगर फिश हो या नगेट्स वगैरह हो, समोसे वगैरह के साथ बच्चे खाते हैं। यहाँ पे एक मैंने छन्नी ली है, नीचे एक मैंने पैन रखा है, इसके अंदर मैंने मिक्सचर को डाल दिया। आप देख रहे हैं धुएँ निकल रहे हैं, गर्म गर्म है ये और आपने बड़े एहतियात से काम करना है अपने आप को बचा के। और इसको मैं अच्छी तरीके से इसको छान लूँगी, इससे क्या होगा इसका सारा पल्प नीचे आ जाएगा और इसके जो सीड्स और इसकी स्किन वगैरह वो सेपरेट हो जाएगी। अभी से इसका जो पेस्ट है इतना स्मूथ लग रहा है, जब ये छन जाएगा और जब इसकी मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आप लोग देखेंगे कि और मज़ीद फाइन इसकी लुक आएगी। इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन आपको इतनी खुशी होगी, इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी और इसके अलावा इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी आप लोगों ने घर में खुद बनाई है। और आप लोग यकीन कीजिएगा कोई पहचान नहीं सकेगा ये आप लोगों ने खुद बनाई है या बाज़ार की है, बल्कि बाज़ार की तो आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ बनी होती है, ये बिल्कुल होममेड है, ऑर्गेनिक है, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके बच्चों के लिए भी। और इसके अलावा बच्चे जितनी मर्ज़ी खा लें, बच्चों का ना तो गला ख़राब होगा और ना ही उनको कोई जम्स वगैरह लगेंगी और आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनी होगी। यहाँ पे जो हम लोग इसके मिक्सचर में ऐड करेंगे, इसमें मैंने दालचीनी के पीसेस लिए हैं, लौंग ली हैं और काली मिर्च ली है। इसकी साइड डिटेल मैंने पहले कार्ट में डाल दी, आप वहीं से वॉच कर लीजिएगा। और इसमें ये क्या होगा, इसको मैं मलमल के कपड़े में बांध दूँगी, जिसको चीज़ क्लॉथ भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया, उसके भी मैंने स्लाइस कट कर ली है, लहसुन अदरक को डाल दिए। तो ये डालने के बाद इसकी मैं एक पोटली से बनाऊंगी, जैसे हम लोग पुलाव के लिए बनाते हैं। इसको अच्छी तरीके से मैं टाइट बांध के तो इसको जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया होगा उसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि जो जितना भी इसका अरोमा होगा सारे का सारा इसका ये केचप में शामिल हो जाएगा। बहुत दिनों के से मेरे पास ये रिक्वेस्ट थी कि आप हमें ये केचप की रेसिपी हमारे साथ शेयर करें, तो बस टाइम नहीं लग रहा था मुझे कि आपके साथ ये मैं रेसिपी शेयर कर सकूं, लेकिन आज मैंने ये सोचा था कि आपके साथ लाजमी मैं ये रेसिपी शेयर करूं, ताकि ईद भी आने वाली है और आप लोग इजीली अपने घर में बना के रख लें। और आजकल टमाटर भी बहुत सस्ते हुए हैं, ये देखें सारे जितना भी बर्तन नीचे आ गया, ये सीड और इसकी जो स्किन थी सेपरेट हो गई है। ये देखें ज़बरदस्त कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है इसका। और इसको मैं क्या करूँगी, ये देखें काफ़ी सारा इसका जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका हुआ है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। इस पेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये 2.5 किलो के टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार किया था, अब इसको दोबारा से मैं पैन में डाल रही हूँ, इसको दोबारा से हम लोग कुक करेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है इसके अंदर,
इसीलिए आप लोग इसको काफ़ी अर्से तक चला भी सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगी, इसको फंगस वगैरह भी नहीं लगेगी। बाज़ार की जो कैचअप होती है उसमें प्रिजर्वेटिव पाउडर इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक आप लोग यूज़ कर सकें, लेकिन इसमें किसी भी केमिकल का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये जो मैंने पोटली बनाई थी वो मसालों वाली, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको हम लोग कुक करेंगे उस वक्त तक जब तक इसका पूरा अरोमा निकल आएगा और जितनी इसकी थिकनेस हमें चाहिए कैचअप की उतनी हो जाएगी, तो फिर हम लोग इसको चूल्हे से हटा लेंगे। और फिर मैं इसको आपको सेव करने का तरीका बताऊँगी कि आप इसको किस तरह अपनी बॉटल्स में भर के रख सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी एक तहकीक के मुताबिक ये बताया गया कि कैचअप कैंसर के जैसे जो ख़तरनाक मर्ज है उससे भी बचाती है। कैचअप जो आप यूज़ करते हैं, आप लोग कैचअप सिर्फ एक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि इसके कितने सारे फ़ायदे भी हैं। अब इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना स्मूथ सा इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। देखिए इसकी थिकनेस देखिए अभी इतनी है और मज़ीद पकने के बाद ये थोड़ा सा और थिक होगा। जितने हमें थिकनेस चाहिए होगी वो मैं आपको बता दूंगी कि इतनी थिकनेस काफ़ी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ें जाएंगी वो जो स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे वो मैं बताऊँगी। इसके अंदर मैंने अभी चीनी डाल दी तकरीबन 250 ग्राम के करीब, और 250 ग्राम के करीब चीनी डालने के बाद इसमें रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून के बराबर, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक एस्ट्रो कॉय, यानी कि इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर नमक चला गया, 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर। इसमें डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और अभी देखें इसका क्या ज़बरदस्त खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, आपकी आंखों को कितना फैसिनेट कर रहा है। आप यकीन करें जब आप बना रहे होंगे तो आपके दिल को एक अलग से खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको पता है कि आपने कितने साफ़ सुथरे तरीके से अपने घर वालों अपने बच्चों के लिए ये केचप तैयार की है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो दोबारा कभी बाज़ार से आप बाय नहीं करेंगे, आप हमेशा अपने घर में ही बनाएंगे। जिस जिसने ये केचप खाई है उन सबको पता है कि इसका टेस्ट कितना यम्मी था, कितना डिफरेंट था। एक बात का ख्याल रखिए कि जब आप लोग केचप बनाएं तो टमाटर आप जितने भी बाहर से परचेज करेंगे कोई भी टमाटर गला सरा दाग वाला ना हो, नहीं तो केचप में फंगस लगने का खतरा है। ये देख रहे हैं इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इंडिकेशन है कि ये बस पकने के करीब करीब यानी कि डन होने वाली है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 पिंच के बराबर इसी केचप के अंदर से मैंने लेके इसी के अंदर मैंने ऐड किया। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, आपको जिस तरह का कलर चाहिए वो आप उस तरह का कलर रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत ही कम कलर का इस्तेमाल करते हुए हमें जितना कलर चाहिए था मैंने उतना कलर रखा है इसमें, और क्या ज़बरदस्त कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। और बिल्कुल एग्जैक्टली जो आप लोग बाहर से परचेज करते हैं बाज़ार की केचप, बिल्कुल उससे भी ज़्यादा अच्छी ये केचप आपके घर में तैयार होगी। ये इसकी बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट डन होने वाली है अभी, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी कुकिंग और करूँगी। और जब ये कुक हो जाएगी तो ये जो हमने पोटली जो हम लोगों ने स्पाइसेस डाले हैं बुके गार्नी में डाल के, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। ये नहीं कि आप लोग इसको डाल के रखें, नहीं, इसको निकाल देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने इसको किस तरह से सेव करना है। ये देखिए कितना खूबसूरत कितना यम्मी बना है ये, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये कलर। और जब आप लोग इसको ठंडा करके ये खाएँगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कितनी मज़े की ज़बरदस्त किस्म की ये केचप तैयार हुई है। अभी देखिए जितना मैंने मिक्सर डाला था उससे काफ़ी रिड्यूस हो चुका हुआ है देखिए, और जो मैंने इसके अंदर से स्पाइस बॉक्स यानी कि बुके गार्निश निकाले थे उसके अंदर जितना अरोमा था वो निकाल के दोबारा से इस केचप में के अंदर मैंने ऐड कर दिए ताकि फुली इसका जो अरोमा है इसके अंदर ऐड हो जाए। बज़ाहिर देखने में ये लगेगा कि इसके अंदर आप लोग ने कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, कोई स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको पता है ये बनाते वक्त मैंने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया और जिन जिन स्पाइसेस का इस्तेमाल किया। जाहिर सी बात है जब आप लोग बनाते हैं तो बाकी चीज़ों को आप लोग सेपरेट कर देते हैं। ये ऑलमोस्ट डन है, ये इसकी थिकनेस मुझे जितनी चाहिए थी उतनी थिकनेस भी आ चुकी हुई है। तो अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे रखना है, कैसे इस्तेमाल करना है। वैसे तो मैंने इसके अंदर कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव पाउडर ऐड नहीं किया है, इतनी केचप तो आप लोग इजीली एक हफ़्ते के अंदर फिनिश कर देंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग टाइम के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आप लोग जिप लॉक के जो बैग्स होते हैं उस छोटे छोटे बैग्स में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपने यूज़ करनी हो, यूज़ करने से 1-1.5 घंटा पहले आप निकाल के तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा।
और इसके अलावा अगर आप बोटल्स में भर के रखना चाहते हैं तो बोटल को पहले सैटेलाइज कर लेंगे, यानी कि बोटल को खोलते हुए पानी में से निकाल के उसको ड्राई कर लेंगे। पानी का बिल्कुल भी कोई भी ड्रॉप आपकी बोटल्स या जार में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो कैचअप होगी उसको फंगस लग जाएगी। ये देख रहे हैं कि मैंने इसके अंदर से जो स्पून डिप किया है तो स्पून के ऊपर से ये कैचअप लग रही है। इट्स मीन ये डन हो चुकी हुई है ऑलमोस्ट। ये देखें ये डन हो गई है। थिकनेस आप देख रहे हैं, कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। और ये लीजिए जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और मैं आपको बताती हूँ इसको बोल में निकाल के, तो इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जो कि नए आए हैं, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी किस किस ने शेयर की है दूसरों के साथ और किस किस ने बनाई है, और आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि ये होममेड केचप बनाने का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रेसिपी में, और मैं आपको इसको बोल में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक, कि ये फाइनल लुक में ये कैसी लग रही है। आप इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं और समोसों के साथ भी, आपका दिल जिसके साथ चाहे आप उसके साथ खाइएगा, ठंडा करके खाइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे में। खुदा हाफिज़।